हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। देखो, हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर दिए कंप्लीट। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ेंगे। इतना छोटा भी चैप्टर नहीं है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। लगभग 10 से 12 वीडियो इसमें कम से कम बन जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखो, टॉपिक है सबसे पहले चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालेंगे, विद्युत धारिता हम निकालेंगे। यहां पे जो धारिता है ना, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, धारण क्षमता भी हम कह सकते हैं हिंदी में। क्या कह सकते हैं, धारण क्षमता। अभी धारण क्षमता क्या होती है उसको समझना। चालक की विद्युत धारिता, तो धारिता किसकी, चालक की, और किस चीज को धारण करने की क्षमता, विद्युत को धारण करने की क्षमता। तो सबसे पहले यहां पर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखो, किसी चालक द्वारा आवेश, विद्युत का मतलब क्या होता है आवेश, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत धारिता। तो किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, किसी चालक द्वारा विद्युत ऊर्जा को, आवेश की जगह हम दूसरा शब्द भी काम में ले सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता, विद्युत ऊर्जा को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत धारिता। किसकी, चालक की। तो चालक की विद्युत धारिता एक्चुअल में क्या होती है, कोई भी चालक जितना आवेश, जितने कूलम आवेश ग्रहण कर सकता है उसे कहते हैं उस चालक की धारिता। ठीक है, अब एक चीज सुनना ध्यान से। मान के चलो जैसे ये कोई पानी का बर्तन है। अब मैं क्या करता हूं, इस बर्तन में, ध्यान समझना, मैं इस टॉपिक को कैसे लिंक करूंगा, इससे देखना। ये पानी के दो ग्लास हैं सेम साइज के। इस ग्लास को पानी से पूरी तरह फुलफिल कर दिया गया है, पूरी तरह ऊपर तक इसको भर दिया गया है, और मैं मान के चलता हूं इसमें 2 लीटर पानी आ जाता है। कितना पानी आ जाता है, 2 लीटर। एक इधर है जिसको पूरी तरह ना भर के आधा रखते हैं, इसमें हमने पानी डाला 1 लीटर। कितने लीटर, 1 लीटर। अब ध्यान देना, ये दोनों ग्लास हैं और ग्लास आवेश को ग्रहण नहीं करेगा, ग्लास का काम होता है पानी को ग्रहण करना। तो इसमें मैंने कितना पानी डाला, 2 लीटर, और इसमें कितना पानी डाला, 1 लीटर। अब परिभाषा पे आते हैं कि किसी चालक द्वारा, अगर गिलास की धारिता निकालेंगे तो किसी गिलास द्वारा पानी को ग्रहण करने की क्षमता गिलास की धारिता कहलाती है। तो सुनो, ये गिलास है ए और ये गिलास है बी। एक छोटा सा सवाल है कि ए गिलास की धारिता, ए गिलास में 2 लीटर पानी है और बी गिलास में 1 लीटर पानी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए गिलास की धारिता 2 लीटर है और बी गिलास की धारिता 1 लीटर है। ये सेंटेंस, दो सेंटेंस बोले मैंने, ए गिलास की धारिता तो है 2 लीटर और बी गिलास की धारिता है 1 लीटर। इन दोनों सेंटेंस, जो सेंटेंस बोले उसमें से ये वाला सेंटेंस तो है सही और ये वाला सेंटेंस है गलत। क्यों, मैंने कहा कि ये सेम साइज के हैं, तो धारिता वो नहीं होती जितना उस पर आवेश हो या जितना उसमें पानी हो, वो उसकी धारिता नहीं होती। धारिता होती है कि अधिकतम वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, तो वो धारिता होती है। समझ में आ गई होगी ये बात, तो बताओ इन दोनों गिलासों की ही धारिता कितनी होगी, 2 लीटर। तो समझ में आई है छोटी सी बात। तो कितना आवेश है इस बात, कितना आवेश है इस बात का धारिता से कोई लेना देना नहीं है। धारिता क्या होती है, किसी चालक द्वारा आवेश, अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। चाहे तो परिभाषा में ऐसा ही लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा, डेफिनेशन लिख लेना, हेडिंग डालना सबसे पहले, चालक की विद्युत धारिता, डेफिनेशन लिखना, किसी चालक द्वारा अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा अधिकतम विद्युत ऊर्जा को
धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है चालक की विद्युत धारिता। अब ये तो हो गई धारिता की बात, परिभाषा इसकी लिखवा दी मैंने, अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। देखो अगर मैं, ये कोई चालक है, ध्यान देना, इस पे स्टार्टिंग में कम आवेश है, थोड़ा सा इस पे पहले से आवेश है, ठीक है, ये ठोस या खोखला कोई सा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये अभी खोखला है क्योंकि सतह पर फैल रहा है, केवल बीच में फैलता ठोस होता है। अब यदि मैं इसको और आवेश दूं, यदि मैं इसको और आवेश दूं, तो अभी अगर इस पर आवेश है मान के चलो Q1, इसको और आवेश दूं तो इस पर आवेश हो जाता है Q2। यहां ये Q1 है और इसको प्लस Q- आवेश और दिया गया है, तो इस पर आवेश की जो डेंसिटी है पहले की बजाय बढ़ जाएगी, आवेश घना तो बढ़ जाएगा, आवेश ज्यादा हो जाएगा इस पर। तो ये बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, आवेश हमने दिया है तो यहां पे Q1 और Q2 में से कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, तो Q2 ज्यादा होगा और Q1 कैसा होगा, कम, क्योंकि मैंने Q1 पे कम आवेश है, इसको Q- आवेश और दे दिया तो ये इतना हो गया। अगर मैं ये रिलेशन भी निकालूं तो क्या आएगा, Q2 बराबर Q1 प्लस Q-। अब एक बात बताओ, मान के चलो इसका विभव है V1, इसकी सतह पे विभव कितना है V1, और इसकी सतह पे विभव है V2। भाई विभव बदलेगा, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन में स्मॉल r। यहां चालक वही है तो त्रिज्या दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगी, त्रिज्या पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, K कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, Q बदल रहा है, तो V1 बराबर तो कितना आएगा KQ1 अपॉन में r, और V2 बराबर KQ2 अपॉन में r। देखो Q2 बड़ा है, Q1 छोटा है, तो V1 और V2 में से कौन बड़ा हो गया, V2 is greater than V1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाएगा, यदि किसी चालक को क्या दिया जाएगा आवेश, तो आवेश में वृद्धि तो होगी होगी, इसके साथ उसके विभव में भी क्या होगी वृद्धि। इस सिद्धांत का यूज करके हम धारिता को परिभाषित करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडिंग डाली, और हेडिंग डालने के बाद ये जो मैंने समझाया उतारना नहीं था, ये केवल समझने वाली चीज थी, इसकी डेफिनेशन लिख दी। दो तरीके से लिखना चाहो दो तरीके से, एक तरीके से कोई सा एक मेथड यूज कर लो, ठीक है। वैसे जनरली ये वाला मेथड ही जनरली काम में लिया जाता है, क्योंकि यही बुक्स में मिलेगा, तुम बाद में बोलोगे सर वो कहां से आ गया, एक्चुअल में तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, जब किसी, एक लाइन लिखेंगे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि होती है, तो इसके विभव में क्या होती है वृद्धि। मतलब यह है कि अगर तुम विभव बढ़ाना है तो किसको बढ़ा दो, आवेश को, तो आवेश और विभव में कैसा रिलेशन हुआ, प्रोपोर्शनल, समानुपाती रिलेशन हो गया, कि अगर तुम आवेश को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा विभव, मतलब विभव समानुपाती होता है किसके, आवेश के। यहां से रिलेशन आया। अब सुनो, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट आ जाएगा क्यू बराबर सी वी, कांस्टेंट क्या आ जाएगा क्यू बराबर सी वी। यहां जो सी है ना, सी है चालक की धारिता, क्या है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की क्या है धारिता। यहां जो सी है ना वो कांस्टेंट की जगह आया है, तो ये कांस्टेंट भी होती है, कैसी होती है कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट कैसे होती है भाई, इस चीज पे थोड़ी सी बहस करेंगे। अभी देखो यहां से सी बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में बी, सी बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन बी। तो धारिता की एक और डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं, ये जो परिभाषा थी ना ये एक तरीके से बेसिक डेफिनेशन है, बट इसकी एक्चुअल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो किसी चालक को दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि का अनुपात
विभव में वृद्धि का अनुपात। देखो क्यू आवेश दिया जिससे कि उसका विभव बढ़ के कितना हो गया V, तो Q अपॉन V किसी चालक को दिए गए आवेश एवं विभव में वृद्धि का अनुपात उस चालक की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उस चालक की धारिता। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन ये है, ये रिलेशन है, ये उसका फॉर्मूला है, और ये उसकी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो डेफिनेशन, साइंस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन आनी चाहिए वो डेफिनेशन वो वाली है। ठीक है, अब सुनो, यदि हम धारिता का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, धारिता का ग्राफ ये निरूपण, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसका, तो कैसे आएगा? देखो, चूंकि Q बराबर फॉर्मूला क्या है? Cv। Q बराबर फॉर्मूला क्या है? Cv। चूंकि y बराबर होता है mx प्लस c, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। अगर मैं Q बराबर Cv प्लस 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर y की जगह तो Q और v की जगह x और m की जगह क्या आ गया? m की जगह c, c की जगह क्या है? 0। यहां अंतःखंड, यहां अंतःखंड c बराबर 0 आ जाएगा। y x पे काटा गया अंतःखंड कितना हो जाएगा? 0। मैथ वाले बच्चे चीज जानते हैं। अच्छा, अब इसकी ढाल निकालें, पहले ग्राफ बनाओ, ढाल बाद में, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो y अक्ष पे तो कौन लेना पड़ेगा? q। इधर तो मैं लेता हूं q। इस अक्ष पे किसको लेना पड़ेगा? x अक्ष पे v। q और v के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो 0 अंतःखंड। अगर अंतःखंड कुछ होता तो ऐसे ग्राफ बनता, बट अंतःखंड का मान 0 है, 0 है तो ये मूल बिंदु से ग्राफ जाएगा। इस तरह ये धारिता का ग्राफ हमको प्राप्त होगा, और यहां पे इसकी जो ढाल होगी ना, ग्राफ की ढाल, ढाल इसकी स्लोप कितनी होगी? ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो ग्राफ की स्लोप कितनी होगी? स्लोप देखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर टेन थीटा बराबर, यहां m किसके बराबर है? c के। m बराबर टेन थीटा बराबर c, और c को मैं क्या लिख सकता हूं? q अपॉन v। c को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से c को c बराबर q अपॉन v। तो ये क्या आ गई? इस ग्राफ की ढाल। तो ये हमने कर दिया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां तक बात समझ में आई होगी कि ये होता क्या है। एक बार इसको नोट कर लें, और इसमें कुछ चीजें मैं तुमको डिटेल में समझाता हूं कि वो समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, आगे इंपॉर्टेंट में नोट करके भी लिखवाऊंगा। देखो, उतार लिया ना, देखो यहां पर ध्यान देना, c बराबर क्या है? q अपॉन v। c की वैल्यू कितनी है? q अपॉन v। लेकिन इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि c, q और v दोनों पर निर्भर करता है। बोलो सही है? C किस पर निर्भर करता है? Q और V पर। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि C इज कांस्टेंट। C कैसा है? कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट जो संख्या होती है ना, वो ना ही तो Q पर निर्भर करती है और ना ही वो V पर निर्भर करती है। ये दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि वो कैसी है? कांस्टेंट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों पर ही निर्भर ना करे? तो दोनों पे निर्भर ना करे फिर भी ये कांस्टेंट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो, जब हम आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे समझ लेना, इस चीज को नोट करके लिखना भी है। अगर मान के चलो स्टार्टिंग में जैसे आवेश है 1 कूलम और विभव है 2 वोल्ट, तो सी का मान कितना आ गया? 1/2। अब आवेश को बढ़ा के कर दिया मैंने 1 की जगह 2 कूलम, और विभव हो जाता मान के चलो 4, तो एक्चुअल में तो अभी भी 1/2 ही है ना। तो देखो ये दोनों एक साथ चेंज होते हैं। ये दोनों कैसे चेंज होते हैं? एक साथ चेंज होने की वजह से सी कैसा आता है? ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पर सी जो है उसका मान क्यू और बी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इनका अनुपात किसके बराबर होता है? सी के। जो इनका जो अनुपात होता है ना, वो किसी भी चालक के लिए हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि सी को बदलते हैं तो क्यू के मान में भी परिवर्तन होता है। सी को बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा, और सॉरी, क्यू को बढ़ाएंगे बी बढ़ेगा, और बी को बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा। अब समझ,
इसकी इसकी तुलना किससे कर सकते हैं हम? तो इसकी तुलना के लिए एक चीज ध्यान रखें, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि आर, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, बोलो होता है नहीं होता? एक्चुअल में आर तो कॉन्स्टेंट होता है, एक्चुअल में आर तो कैसा होता है, कॉन्स्टेंट, लेकिन यहां फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि आर बराबर वी अपॉन आई, मतलब v और i पर डिपेंड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर v का मान बढ़ाएंगे तो i का मान बढ़ेगा, और v का मान घटाएंगे तो i का मान घटेगा, इसलिए r इज ऑलवेज कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो धारिता का मात्रक पढ़ते हैं हम, मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन, धारिता का मात्रक। तो देखो धारिता का जो मात्रक होता है ना, मात्रक पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं इसकी विमा, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट विमा, तो देखो भैया इसकी विमा निकालने के लिए हमको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्यू अपॉन में V। अच्छा मुझे एक बात बताओ, V क्या होता है, Q अपॉन में W अपॉन में Q नॉट, भाई V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, Q इंटू Q नॉट अपॉन में W, ठीक है, Q की विमा इंटू Q नॉट, भाई Q और Q नॉट दोनों ही आवेश है, दोनों आवेश है, दोनों की विमा सेम होगी, तो आवेश की विमा ए वन टी वन का स्क्वायर अपॉन में कार्य की विमा क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू। और इन दोनों विमाओं को एक साथ हम करके लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर हो जाएगी माइनस वन, एल की पावर हो जाएगी माइनस टू, और t की पावर दो ऊपर है और नीचे माइनस दो, ऊपर जाके चार हो जाएगी, प्लस चार या माइनस चार, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस चार, टी फोर और ए टू होल स्क्वायर, ये इसकी विमा निकल के आ गई। एक बार विमा देख लें इसकी, इस तरीके से निकाली जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, देखो इसके मात्रकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है एसआई मात्रक की, एसआई मात्रक कहो या फिर इसको हम एमकेएस यूनिट भी इसकी बोल सकते हैं, क्योंकि एमकेएस और एसआई एक ही बात होती है, ठीक है। एमकेएस का नाम बदल के बाद में एसआई कर दिया गया था, ये हम इलेवंथ में पढ़ते हैं, इलेवंथ का कुछ दिन में स्टार्ट कराने वाले हैं, तब वहां पर बड़ी डिटेल में हम ये चीजें समझाएंगे। देखो एसआई मात्रक, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन में बी। यहां से अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, एसआई मात्रक होता है इसका फेरड, एसआई मात्रक इसका क्या होता है, फेरड, और फेरड को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और याद दिलाता हूं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, लेकिन फेराडे को एफ से व्यक्त नहीं करते, गलती से भी मत कर देना, लेकिन धारिता का मात्रक होता है फेरड, इसको कैपिटल एफ, किससे, कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका व्युत्पन्न मात्रक देखें एसआई सिस्टम के अंदर, इसका व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या आएगा, देखो सी, सी का मात्रक क्या आ गया, फेरड, फेरड किसके बराबर होगा, इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम बटे इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट। तो पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पिछले दो तीन साल से पूछा गया है, इस बार तो नहीं पूछा गया 2020 वाले पेपर में, बट उससे पहले वाले पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस तरीके का। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कूलाम प्रति वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक है, फेरड का नहीं, वो है धारिता का मात्रक, और इसका ही मतलब क्या होता है, फेरड। अब चलते हैं हम अगला, और वो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस मात्रक। जैसे विभव के पढ़े, आवेश के पढ़े, उसी तरीके से हम सीजीएस का भी इसमें पढ़ेंगे। देखो CGS मात्रक होता है इसका, जैसे इसका फेरड, अच्छा उसका कूलाम होता था, अब इसका इसका स्टेट कूलाम, बोल्ट स्टेट बोल्ट विभव के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, धारिता की, धारिता में हो जाएगा स्टेट फेरड, सेम स्टेट फेरड, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट ST फेरड के लिए F। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो किसके बराबर होगा, स्टेट फेरड बराबर क्यू का मात्रक, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और बटे में स्टेट बोल्ट, बटे में क्या आ जाएगा, स्टे नहीं स्टेट,
स्टेट बोल्ड, ये इसका व्युत्पन्न रूप में मात्रक आ गया। अब हम एक काम करते हैं भाई, फैराड और स्टेट फैराड इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो एक फैराड बराबर होता है 9 10 11, 9 10 की घात 11, ऐसे याद रख सकते हो, 9 10 11 स्टेट फैराड के बराबर होता है। एक फैराड 9 × 10 की घात 11 स्टेट फैराड के कैसा होता है, बराबर। अब इसमें दो ही है इंपॉर्टेंट। अब अन्य मात्रकों की बात कर लेते हैं, इसकी बात करना इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्यों है बताऊंगा आगे। देखो अन्य मात्रक, जैसे अगर मिली माइक्रो, उसमें हम जानते हैं एक मिली फैराड में हम निकालेंगे तो 10 की घात -3 फैराड आ जाएंगे, ठीक है भैया, ये चीजें हम जानते हैं, 11th में पढ़ी है। अगर एक माइक्रो फैराड की बात करेंगे तो 10 की घात -6 फैराड आ जाएगा, और एक नैनो फैराड की बात करेंगे तो 10 की घात -9 फैराड, एक पिको फैराड की बात करेंगे तो 10 की घात -12 फैराड हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अन्य छोटे मात्रक, किलो फैराड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा एक चीज, तीनों को लिखने के बाद नोट करके एक बात लिख देना, सबसे पहले तो विमा लिख दी, फिर एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, अन्य मात्रक लिखने के बाद नोट करके एक बात जरूर लिखना, फैराड धारिता का अत्यधिक बड़ा मात्रक है, सामान्यतः चालकों की धारिता माइक्रो एवं नैनो फैराड में होती है, इसी कारण इनको अधिकतर इनको काम में लिया जाता है। ये चीज नोट करके लिख लो, एक बार वीडियो को रिवर्स करके वापस सुन लो। चलो मैं फिर बोल देता हूं, धारिता फैराड धारिता का अत्यधिक बड़ा मात्रक है, सामान्य चालकों की धारिता माइक्रो या नैनो फैराड में होती है, इसी कारण माइक्रो फैराड एवं नैनो फैराड का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ये चीज भैया नोट कर लेना। अब हम आगे आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तुमसे कि धारिता का जो मात्रक है ना उसको परिभाषित करो। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है धारिता के मात्रक, धारिता के मात्रक को परिभाषित करो। पहला तरीका यह है, धारिता के मात्रक को परिभाषित करो, अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, जवाब एक ही देना है, एक फैराड को परिभाषित करो, इसको यह भी पूछ सकता है, एक फैराड को परिभाषित करो। दोनों का मतलब भैया एक ही है, ठीक है। देखो कैसे परिभाषित करेंगे, इसका सॉल्यूशन समझ लो। चूंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अगर मैं किसी चालक को Q आवेश देता हूं तो उसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, मतलब विभव बढ़ के V हो जाता है। देखो अब मुझे C का मान लाना है एक फैराड, तो एक कब आएगा, जब एक एक ये दोनों हो, या दो दो हो, ठीक है, या एक एक हो। तो ऐसी स्थिति में Q को ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लिया मैंने Q इक्वल टू 1 कूलम और V इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर ऐसा है तो, अगर ये ऐसा है तो धारिता जो C होगी ना वो होता है Q अपॉन V, ये 1 ये भी 1 और C बराबर आ जाएगा 1 फैराड। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी, परिभाषा सुनना ध्यान से, यहां से निकली है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। तो परिभाषा क्या बनी, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। अच्छा तुमको बता दूं, 1 फैराड धारिता का कोई भी चालक पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब आगे देंगे, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले धारिता को हमने इतना पढ़ लिया, धारिता में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी ही रखनी है। तो कौन कौन सी बातें हैं वो, सबसे पहले उन पर हम विचार कर लेते हैं, इसको नोट कर लो एक बार। धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले बिंदु की हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि जो किसी चालक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी चालक की धारिता न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो इसका जवाब है 0। क्यों हो सकती है न्यूनतम 0, क्योंकि किसी चालक की धारिता न्यूनतम 0 क्यों हो सकती है, इससे कम क्या धारिता माइनस में हो सकती है, नहीं। 0 का मतलब है कि वो बिल्कुल भी आवेश नहीं ले सकता, ऐसा चालक हो सकता है जो बिल्कुल आवेश ना ले, लेकिन
जीरो नेगेटिव होने का मतलब यह है कि जो आवेश दे ऐसा चालक नहीं है, जो खुद ही आवेश दे ऐसा कोई चालक नहीं होगा। ठीक है, आवेश लेने के लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी हमको, ठीक है, अपने आप नहीं देगा। तो ऐसा कोई भी चालक नहीं होगा जिसकी धारिता नेगेटिव हो। धारिता हमेशा या तो जीरो होगी या कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जीरो को ध्यान में रखेंगे नहीं, हमेशा चालक की धारिता सी इज ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि चालक की धारिता ऐसे लिख सकते हो, चालक की धारिता हमेशा धनात्मक होती है, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो चालक की धारिता है ना सी, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये है, करती है, सॉरी, धारिता है ना स्त्रीलिंग सी, यानी कि चालक की धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे एक मीटर त्रिज्या का चांदी का गोला ले लेता हूँ और एक मीटर त्रिज्या का ही एल्यूमिनियम का गोला ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों की त्रिज्या समान है, मतलब दोनों का साइज सेम है और दोनों ही मेटल है, चालक की धारिता है तो दोनों चालक होनी चाहिए, दोनों के दोनों मेटल हैं, दोनों की दोनों धातुएं हैं, दोनों की त्रिज्या समान है। वैसे देखा जाए तो इसका और इसका मटेरियल अलग अलग है, ये क्या है चांदी और ये क्या है एल्यूमिनियम, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों, इसकी धारिता अगर सी है तो इसकी धारिता भी सी होगी। क्यों? क्योंकि पदार्थ की प्रकृति पर धारिता निर्भर नहीं करती है, होने चाहिए दोनों चालक सेम साइज की होनी चाहिए, प्रकृति अलग अलग हो तो उससे धारिता नहीं बदलती है, दोनों की धारिता कैसी रहेगी, समान। दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर तीन पर, और तीसरा पॉइंट कुछ ऐसे है, धारिता स्टार्टिंग से जब से मैं पढ़ा रहा हूं तुमको ये बताया, मैंने क्या बताया देखो, अगर मान के चलो ये कोई गिलास है पानी का, ये पानी का गिलास है, पानी का गिलास जिस तरीके से पानी को ग्रहण करता है इसी तरीके से चालक किसको ग्रहण करता है, आवेश को, किसको ग्रहण करता है, आवेश को। अगर मैं इसमें जैसे मान के चलो इसकी जो धारिता है ना सी बराबर है 2 लीटर, एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल और भी देके बताया था मैंने स्टार्टिंग में 2 लीटर वाला ही, 2 लीटर इसकी धारिता है, तो इसका मतलब ये कितना पानी ग्रहण कर सकता है, हाईएस्ट कितना पानी ग्रहण कर सकता है, 2 लीटर। अब अगर मैं इसको 1 लीटर दूंगा तो ये आधा बढ़ जाएगा, सही, 1 लीटर और दे दूं तो आधा और बढ़ जाएगा, मतलब फुल बढ़ जाएगा, पूरी तरह बढ़ जाएगा। अब यदि मैं इसको और पानी इसमें डालता हूं तो बताओ क्या होगा, पानी गिलास के अंदर ना जाके इसकी सतह पर गिर के और फैल जाएगा, फैलने का मतलब है इसमें ना जाके आसपास के वातावरण में चला जाएगा, सेम चार्ज के साथ होगा। कि जैसे तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, कोई चालक है किसी भी आकार का, कैसा भी कोई चालक हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई साइज गोली हो या कैसा, कोई भी आकार हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये नक्शा बना दिया पता नहीं कौन से दिया, ये तो किडनी बन गई यार, हाँ जो भी है, अगर मैं इसको आवेश देता हूं और इसकी जो धारण क्षमता है ना आवेश की, वो है मान के चलो, ऐसा मान लेता हूं मैं, वो है 5 कूलाम, 5 कूलाम आवेश को ये होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। तो आवेश देते जाएंगे, इसकी सतह पर विभव भी बढ़ता जाएगा, जब इस पर आवेश 5 कूलाम हो जाएगा तो अब इसको और आवेश देना तो संभव है, दे तो सकते हैं, बट इसके ऊपर वो रुकेगा नहीं, मतलब आवेश घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और आवेश आ रहा है, और आवेश आ रहा है, आवेश आता जा रहा है, तो इतना ज्यादा आवेश हो जाएगा कि ये आवेश इस वाले को दूर भगा देगा, मतलब ये वायु में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, वायु में फ्री हो जाएगा, फ्री होने का मतलब है इसका विसर्जन हो जाएगा, किसमें, माध्यम में। अब जरूरी नहीं है बाहर वायु हो, पानी होगा तो पानी, वायु होगी तो वायु, और अगर कुछ है तो उसमें चला जाएगा। तो यही पॉइंट इसमें लिखना था, तो तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं लिख लो, किसी भी चालक को उसकी धारिता से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है, यदि धारिता से अधिक आवेश दिया जाए तो वह वायु में, वैसे वायु मत लिखना,
यदि धारिता से अधिक आवेश दिया जाए तो वह माध्यम में विसर्जित हो जाता है। विसर्जित को कहते हैं इंग्लिश में लीक, L-E-A-K, लीक, लीक हो जाता है, मतलब वायु में चला जाता है या माध्यम में चला जाता है। तीसरा पॉइंट क्लियर। अब आते हैं हम चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। चौथा पॉइंट यह है, जो चीज मैंने समझाई थी अभी तुमको थोड़ी देर पहले जब धारिता में समझा रहा था कि धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, लेकिन फिर भी धारिता का मान क्यू और वी पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और क्यों नहीं करता है? इसका जवाब तो अभी बाद में मिलेगा, बट इस पर निर्भर नहीं करता। तो फिर ये किस पर निर्भर करता है? इस चीज पे हम रिसर्च करेंगे। देखो, तीन चीजों पे निर्भर करता है भैया। तीसरा पॉइंट मैंने लिख लिया होगा तुमने, नहीं लिखा है तो वीडियो एक बार रिवर्स करके फिर से लिख लें। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा मैं लिखवा दिया, वीडियो रिवर्स करके देख लें, ठीक। चौथा पॉइंट, अब चौथा पॉइंट क्या है सुनो, कि धारिता का मान क्यू और बी इन पर निर्भर नहीं करता है। धारिता तीन चीजों पर निर्भर करती है। कितनी चीजों पर? तीन चीजों पर, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है चालक का आकार, कि चालक कितना बड़ा है। दूसरा है बाह्य माध्यम, चालक के चारों तरफ जो माध्यम है उस पर भी निर्भर करेगा। और एक तीसरी चीज है चालक का आकार हो गया, बाह्य माध्यम हो गया, एक चीज और बची, वो क्या है, चालक के पास उपस्थित अन्य आवेशित चालक पर, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, जबकि इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से जो ये वाला मैंने लिखवाया है ना, ये वाला, इनके बारे में अभी मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। जब संधारित्र बनाएंगे, कैपेसिटर बनाएंगे, तो वहां पे इस वाले पॉइंट का यूज होगा। अब ये जो दो पॉइंट है ये तो क्लियरली तुम समझ ही चुके हो, चलो ये भी चलो तुमको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अगला, गोलीय चालक की धारिता, उसमें ये बात तुमको क्लियर समझ में आ जाएगी। पहली चीज ये बात आगे समझ में आई जाएगी। अब इसको समझ लो भाई, मुझे एक बात बताओ, चालक का आकार जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा तो आवेश को ग्रहण करेगा, तो चालक का आकार बढ़ने पर धारिता बढ़ती है। बाह्य माध्यम पर और चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या है? पहले तो विलगित का मतलब अलग थलग, विलगित का मतलब अलग थलग, मतलब आवेशित गोले का अन्य किसी गोले या अन्य किसी चालक से कोई संबंध नहीं है या उससे स्पर्श नहीं कर रहा है। अच्छा देखो, यहां पे एक गोला बनाता हूं मैं, ये लो एक गोला है, ये गोलीय कोश है। एक तो ऐसा है, दूसरा ऐसा है कि एक तो ये गोलीय कोश है या गोला, कुछ भी मानो तो एक ही बात है, इसका संपर्क मैं किसी दूसरे गोले से करा दूं, तो विलगित का मतलब समझा रहा हूं, ये एक चालक तार से मैंने जोड़ दी है, तो ये तो स्थिति है ए और ये स्थिति है बी, बताओ इनमें से विलगित कौन सा है? इनमें से विलगित है कौन सा? बी। ए का यहां पे, ए पे जो गोला है इसका संबंध किसी दूसरे से है, तो ये विलगित नहीं होगा, जबकि विलगित ये वाला है। विलगित मतलब अकेला, अलग थलग, जिसका दूसरे से या दूसरे के आवेश से कोई संबंध ना हो। अब चलो, हाँ, तो विलगित चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक। देखो सबसे पहली बात तो यहां पे कुछ मानना पड़ेगा, माना लेट करके हम लिख सकते हैं, माना कि एक गोलीय चालक है। अच्छा एक चीज और, गोलीय चालक चाहे ठोस लो चाहे खोखला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए आंसर सेम, मैं दोनों करवा देता हूं। माने कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है, जिसे क्यू आवेश, आवेश चलो बाद में दे देंगे, या फिर मान लो कि इसको क्यू आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है? क्यू आवेश। और इसकी धारिता को मैं सी से व्यक्त कर देता हूं, इसकी धारिता सी है,
तो इसकी धारिता का मान कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो गोला है ये वायु में रखा हुआ है, ये गोला किस में रखा हुआ है भैया, वायु में, वायु में या फिर निर्वात भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान एक समान होता है लगभग। चलो एक गोलीय चालक मान लेते हैं, गोलीय चालक है। अब चाहे तो तुम इसको खोखला मानो तो सतह सतह पे आवेश कर दो केवल, और यदि तुम इसको ठोस मानना चाहो तो इस पूरे में आवेश डाल दो, दिक्कत क्या है, अंदर तक पूरे इसके आयतन में आ जाएगा। ये केंद्र है इसका, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो इसकी त्रिज्या भी स्मॉल आर, सेम त्रिज्या के हैं। अच्छा, अब हमको ये पता लगाना है कि इन दोनों की धारिता कितनी होगी, दोनों की सेम होगी, क्यों होगी बताऊंगा अभी। इसको क्यू आवेश दिया है तो आवेश इसको भी कितना दिया है, क्यू। इसको क्यू आवेश दिया है तो आवेश इसको भी कितना दिया है, क्यू। इसकी सतह पर विभव बी है तो इसकी सतह पर भी विभव कितना है, बी। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी सतह पर विभव कितना आएगा, बी बराबर के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, सही है। और इसकी सतह पर विभव कितना आएगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, सेम ही तो आएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। इसके अंदर विभव निकालते तो दोनों में अलग अलग आता, ध्यान रखना, इसके अंदर और इसके अंदर विभव अलग अलग होगा, लेकिन सतह पे या सतह के बाहर दोनों के कारण विभव समान होता है। ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में ये चीजें हमने पढ़ी हैं, तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें, दोनों को एक ही मान के चल रहा हूं। और तुम चाहो तो एक डायग्राम ये बनाओ, इसको सॉल्व कर दो, या ये बना लो, पूरा सॉल्व कर लो। देखो, चूंकि सी का मान निकालने के लिए सी बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन में बी, बोलो सही है, क्यू का मान तो क्यू अपॉन में बी का मान के क्यू अपॉन में आर, ठीक। क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कटा तो क्या आ गया, आर वाई के, ये इसकी धारिता आ गई, कितनी आ गई, आर वाई के। इसका यूज हमको न्यूमेरिकल्स के लिए करना है, अब सुनो, आर वाई के, अभी डब्बा मत बनाना। चूंकि के बराबर क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं वन अपॉन के की जगह क्या लिख सकता हूं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, इसके हिसाब से भाई, इसको इसको दोनों को उल्टा कर दिया, बदलगुना कर दो, वन अपॉन के नीचे और ये ऊपर, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कहां कहां पर आया है, ये आया है निर्वात या माध्यम के लिए, निर्वात में या फिर वायु में, माध्यम के लिए नहीं, निर्वात में या फिर कहां पर, वायु में। यदि यदि गोलीय चालक, यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम में है, तो यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में है तो उसकी धारिता आएगी सी डैश, मान लो इसको, बोलो इसकी धारिता को मैं सी डैश मान लेता हूं, या ऐसे करो, इसको C मान लो और इसको सी एम मान लो, M फॉर मीडियम, माध्यम, तो कितनी आएगी, 4 पाई, यहां पे एप्सिलॉन नॉट आया निर्वात के लिए और यहां पे केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन, और इनटू में R। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, ये वैल्यू लिखो, सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R और इनटू में R। अब कई गधे तो क्या करेंगे, R इंटू आर बराबर आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसा मत करना। हाँ, ये आगे इसकी धारिता कब, जब कहां पर रखा है ये किसी माध्यम में, यहां से ये जो धारिता आई है माध्यम के लिए है, माध्यम में धारिता किसकी, गोलीय चालक की, कहां पर धारिता, माध्यम में धारिता। अब सुनो कि अगर मैं यहां पे एक संबंध निकालूं, एक संबंध निकालूं किस किस के बीच में, सी एंड सी एम, सी एंड सी एम के बीच में मैं रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा, एक काम करो, सी एम अपॉन में सी का भाग लगाओ, सी एम अपॉन सी, तो क्या आएगा, सी एम का मान कितना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू इसकी त्रिज्या आर अपॉन में, यहां पर ये वाला आर त्रिज्या से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है ये क्या है, माध्यम की अपेक्षित या निरपेक्ष विद्युतशीलता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर,
आर से आर गया, एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई सब कट गए, क्या आया बराबर एप्सिलॉन आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर सी एम अपॉन में सी। मतलब यहां पर नोट करके एक लाइन लिख लेना, अतः किसी गोलीय चालक, लिखो इसको यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर वीडियो पॉज करके लिखो। यदि किसी गोलीय चालक, या ऐसे लिखो, किसी गोलीय चालक की माध्यम में धारिता एवं निर्वात में धारिता का अनुपात, किसी गोलीय चालक की माध्यम में धारिता एवं निर्वात में धारिता का अनुपात उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता या एप्सिलॉन आर के समान होता है। तो किसी भी माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी है तो उस माध्यम में गोलीय चालक का क्या पता होना चाहिए हमको, क्या पता होना चाहिए, धारिता, और निर्वात में भी उसकी धारिता। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, सी एम बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर। अगर हमको किसी गोलीय चालक की धारिता पता है और जिस माध्यम में उसको रख रहे हैं उसका निरपेक्ष, उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता पता है, तो उस माध्यम में इसकी धारिता कितनी होगी ये हम पता लगा सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पानी के लिए, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 80। तो सी एम बराबर, या सी एम की जगह सी डब्ल्यू फॉर वाटर कितना लिख सकते हैं, सी 80 सी। तो इससे एक बात पता चली क्या, कि जैसे ही किसी गोलीय चालक को वायु में रखते हैं वो एक कूलम आवेश लेता है, अब यदि उसको मैं पानी में ले जाके रख दूं तो वो कितना आवेश ले लेगा, 80 गुना, यानी कि 80 कूलम, और दो कूलम लेता हो तो 160 कूलम। तो इस तरीके से इसके सवाल सॉल्व किए जाएंगे, तो तुमको ये यहां तक उतार लेना है, ठीक है। इसके सवाल सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखना, कभी भी जैसे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी, सीधा फॉर्मूला काम में लेना, सी बराबर होता है आर बाई के, क्योंकि के का मान तुमको आता है, आता तो एप्सिलॉन नॉट का मान भी है, बट एप्सिलॉन नॉट का मान रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसका मान पॉइंट वगैरह में होता है। यहां पर सीधा आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹, और इससे आसानी से सवाल हो जाएगा। बस तुमको क्या चाहिए, त्रिज्या, त्रिज्या पता हो तो इसका भाग लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा किसी गोलीय चालक की धारिता का। तो गोलीय चालक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, मैं बीच में इसलिए लिख देता हूँ टाइम बच जाता है अपना, लिखूंगा तब समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, अब इनका सॉल्यूशन तुमको समझा देता हूँ। तुम आसानी से वीडियो रोक के ये चीज़ें लिख सकते हो, जिससे कि वीडियो छोटी भी बनेगी और कंटेंट भी ज़्यादा आएगा, तुम्हारा टाइम और डाटा दोनों बचेंगे, इंटरनेट भी कम खर्च होगा, काम वही हो जाएगा। खैर आ जाओ टॉपिक पर, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। अब तुम सोचो पृथ्वी कितना बड़ा आकार है, हमारी तुलना में अगर हम देखें तो पृथ्वी बहुत बड़ा होता है, रिलेटिव, हमारे रिलेटिव में पृथ्वी बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी धारिता कितनी होती है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं, पृथ्वी क्या है, गोला, और गोले की धारिता क्या होती है, गोले की धारिता सी बराबर 4 πε₀ × r, और पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे r बराबर 6400 लिख दूँ आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम गलत हो। क्यों गलत हो, ये सिर्फ पृथ्वी बताओ चालक है कुचालक है, तो पृथ्वी चालक नहीं होती, पृथ्वी कुचालक की तरह होती है, जबकि इस फॉर्मूले से केवल चालकों की धारिता निकलती है, और पृथ्वी का कुचालक के अलावा दूसरा फंडा भी होता है, क्या होता है वो समझते हैं। चूंकि सी बराबर कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन बी। मुझे एक बात बताओ, हमने पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि पृथ्वी का विभव जीरो लिया जाता है, पृथ्वी का विभव क्या लिया जाता है, जीरो। अगर पृथ्वी का विभव जीरो है तो पृथ्वी की धारिता क्यू अपॉन में जीरो बराबर कितनी आ जाएगी, बोलो अनंत, बताओ पृथ्वी की धारिता कितनी आ जाएगी, अनंत। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अनंत। अब एक दूसरा सवाल लिया हमने फिर से, और इस सवाल, ये सवाल वही है सेम पर थोड़ा सा अलग है, पृथ्वी के समान आकार के चालक की धारिता ज्ञात करो। यहां पे देखो, पृथ्वी के समान आकार का धातु का गोला लेना है, उसकी धारिता पूछ रहा है, तो ये हम निकाल लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन समझ लो, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में क्या लिख सकते हैं, 30 बढ़ा दो, 6.4 × 10⁶ मीटर होता है, या 64 × 10⁵ मीटर भी लिख सकते हैं। अब
गोलीय चालक की धारिता सी बराबर आर वाई के, सही है ना, सीधा फॉर्मूला, सीधा के का मान लिखो और आर का मान लिखो, आर का मान 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है, इसको रट लेना भैया, ये बार बार इसका काम पड़ेगा, लगभग 711 इंटू 10 की घात माइनस 6 फैरड। क्या मैं इसको C बराबर 711 माइक्रोफेरड भी लिख सकता हूं क्या? देखो 711 माइक्रोफेरड भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मिली फेरड में अगर लिखना है तो C बराबर हम लिख सकते हैं 0.711 मिली फेरड। मिली फेरड बनाने के लिए 10 घात 3 का भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा मिली फेरड। तो यहां से ये क्वेश्चन तो हो गया, बट क्वेश्चन अपने साथ में कुछ ऐसी चीज छोड़ के गया है जो हमको सीख लेनी चाहिए अभी से, क्या कि देखो पृथ्वी के बराबर बड़ा धातु का गोला लो, फिर भी उसकी धारिता 1 फेरड नहीं होती, 1 फेरड से भी लाखों गुना कम होती है। भाई 1 फेरड में भी किसका भाग लगाना पड़ेगा? देखो इसको फेरड में बदलने के लिए किसका 10 घात 6 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1 फेरड से भी लाखों गुना कम होती है पृथ्वी के समान बड़े गोले की धारिता। अब यदि सोचो हम जो चीजें काम में लेते हैं, छोटी मोटी बॉल फुटबॉल ऐसी कोई चीज लेंगे, तो उसकी धारिता सोचो पिको फेरड में आएगी, 10 घात माइनस 12 फेरड में आएगी, ये जबकि 10 घात माइनस 6 है। तो ध्यान रखें मैंने वहां पे तुमको लिखवाया था कि जो पृथ्वी है ना, सॉरी पृथ्वी नहीं, जो धारिता का मात्रक है फेरड, ये बहुत बड़ा मात्रक है, हम इतने बड़े आकार के काम में नहीं लेते हैं जिनका मात्रक किस में होता हो, फेरड में, ऐसे चालक काम में नहीं लेते, हम ऐसे लेते हैं जिनका पिको माइक्रो या मिली फेरड में हो सकता है, मिली में तो नहीं होगा खैर, माइक्रो नैनो या पिको फेरड में होता है, ज्यादातर माइक्रो नैनो में होते हैं। अच्छा अब एक सवाल ये है कि पृथ्वी के बराबर बड़े गोले की धारिता भी 1 फेरड नहीं है, तो कितना बड़ा लें कि उसकी धारिता 1 फेरड हो जाए? अगला सवाल यही है, 1 फेरड धारिता के लिए कितने बड़े गोलीय चालक की आवश्यकता होगी, मतलब एक्चुअल में ये पूछ रहा है गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल आर का मान। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सी बराबर 1 फेरड सवाल में दिया गया है, हमसे आर पूछ रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर आर वाई के, यहां से आर निकालना है तो आर बराबर सी के, और आर बराबर C का मान 1 इंटू K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब ये है कि उसकी त्रिज्या होनी चाहिए 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। सोचो ये पृथ्वी से कितना बड़ा गोला है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अभी एक मिनट के लिए ऐसा सोच लेते हैं, हम 6.4 को हटा देते हैं, 10 की पावर 6 ले लो केवल, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर 9, अभी भी ये इससे इसकी त्रिज्या इससे 1000 गुनी ज़्यादा है अगर हम ये चीज़ें हटा दें तो, बाकी अगर इसका भाग लगाएंगे ना तो करीब 9 में भाग लगाओ 6.4 का, तो 3×9 लगभग 1500 गुना ज़्यादा आएगी, पृथ्वी से पृथ्वी की त्रिज्या से भी लगभग 1500 गुना ज़्यादा त्रिज्या का गोला लें तब जाके उसकी धारिता कितनी होगी 1 फेरड। तो ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए तुमको, बाकी रट्टा तो सभी मारते पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सवाल मैंने ले लिया है इस चीज का, धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में 3 बिंदु बताए थे मैंने, जिसमें से एक बिंदु यह था, एक बिंदु में यह पढ़ा था हमने कि धारिता का मान क्यू और वी पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर करता था, गोले की त्रिज्या पर, यानी कि गोले के आकार पर। तो देखो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, ज्यादा आकार है धारिता ज्यादा है, कम आकार है धारिता कम है। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा था, माध्यम पर। तीसरा चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पे, तो चालक के पास अन्य चालक लाएंगे हम अगली वीडियो में, बट यहां पे एक चीज बता दूं, माध्यम पर भी निर्भर कर रहा था ना, तो माध्यम पर कैसे करेगा, देखो वायु में किसी संधारित्र की धारिता 4 पिको फेरड है, तो वायु के लिए सी बराबर 4 पिको फेरड, जिसको मैं लिख सकता हूं 4×10^-12 फेरड, ठीक है। उस माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो जिसकी जिसमें संधारित्र की धारिता, अच्छा कईयों को लग रहा होगा संधारित्र क्या बीमारी है, अभी तो तुम एक तरीके से चालक मान लो इसको,
अभी अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट अभी ये मान लो कि क्या है एक चालक, इसकी धारिता कितनी हो जाती है उस माध्यम में, सी एम बराबर हो जाती है 10 पिको फैरड, मतलब 10 × 10^-12 फैरड। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक, तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन आर, निरपेक्ष विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, तीनों इसी के नाम है, क्या आएगा, सी एम अपॉन में सी ए फॉर्मूला था, सी एम कितना 10 × 10^-12 के बटे 4 × 10^-12, ये कट गया, क्या आया 10 में 4 का भाग लगाओ 2.5, ये एप्सिलॉन आर का मान आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहां तक अगर तुमको बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि तुमको बात समझ में आ गई होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे सुनो, उबो पॉइंट को ये क्लियर कर रहा है, क्वेश्चन कैसे कर रहा है कि जैसे ही माध्यम बदला, क्या धारिता बदलेगी, जी हां, वायु में कितनी है 4 और माध्यम में जाके कितनी हो गई 10, तो माध्यम बदलने पर भी धारिता बदलती है, यह बात प्रूव हो चुकी है। तो ये मैंने 4 न्यूमेरिकल कराए, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, एक न्यूमेरिकल में तुमको खुद को करने के लिए दे रहा हूं, और इसको सॉल्व करके मुझे बताना, उतार लो इसको पहले, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, देखो क्वेश्चन, चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर सीधा डायग्राम बना के सॉल्व कर लो। क्वेश्चन ये है कि दो गोलीय चालक हैं, इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2, दोनों पर आवेश समान है, इस पर क्यों आवेश है तो इस पर भी क्यों आवेश है, इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। अब तुमको बताना है C1 / C2 कितना आएगा, तुमको ये बताना है C1 / C2 कितना आएगा यदि V1 / V2 = 1:2, ये समान अनुपात ले सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि V1 / V2 = दे रखा है 1/2, और तुमसे पूछ रहा है कि C1 / C2 का मान याद करो, तो ये सवाल। अब जो बच्चे थोड़े से होशियार वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि C = क्या होता है, Q/V, तो दोनों के लिए, इसके लिए C1 इसके लिए C2, दोनों का आवेश समान है, मतलब आवेश कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C = 1/V, अगर आवेश कांस्टेंट है तो ही लिख सकते हैं, जब आवेश कांस्टेंट है तो C = 1/V, विभव बढ़ेगा धारिता घटेगी, और विभव घटेगा धारिता बढ़ेगी। यहाँ पर देखो V1 का विभव कम है और V1 का विभव कम है, V2 का विभव ज्यादा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, धारिता आएगी 2:1। कंप्लीट सॉल्व तुमको करना है, आंसर मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूल लगा देना दोनों के, और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था भाई क्वेश्चन, आज का वीडियो लेक्चर करते हैं यहीं पर खत्म। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक चीजें पढ़ी, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को कल के लेक्चर से पहले पूरा देख लेना एक बार, कल का लेक्चर नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को यह चैप्टर एकदम खतरनाक दिखता है, जबकि एक्चुअल में चैप्टर खतरनाक नहीं है, बहुत ही सरल चैप्टर है, तुमको पता चलेगा ये चीज जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जो बच्चे इसको पढ़ते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, मैं बता रहा हूं कि उनको इससे अच्छा चैप्टर एक भी लगेगा ही नहीं अब तक की फिजिक्स में। तो इसी तरीके से पढ़ते जाओ, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।